खबर नोएडा से, जहां महिला के साथ बदसलूकी का आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी दो दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नोएडा की सोसाइटी में जबरदस्त गुस्सा है। बीजेपी के सांसद महेश शर्मा ने लोगों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि आरोपी नेता को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। भाषा मवालियों वाली, तेवर माफियाओं वाले, करतूत सड़क छाप गुंडों वाली, आराम से सर, आराम से। गाली गलौज कर रहा ये शख्स श्रीकांत त्यागी है, जो खुद को नेता बताता है। वीडियो यूपी के नोएडा के सेक्टर 93 में ओमैक्स ग्रैंड अपार्टमेंट का है, जहां श्रीकांत त्यागी रहता है। जिस महिला को धमका रहा है वो उसी अपार्टमेंट की रहने वाली है। अब पूरा मामला समझिए। मामला एक जमीन का है। जमीन अपार्टमेंट की है, श्रीकांत त्यागी के ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट के सामने की है। किसी शातिर भू माफिया की तरह श्रीकांत की नजर जमीन पर थी। उसने पहले अपने घर की बाउंड्री तोड़कर उसे कॉमन एरिया वाली जमीन से मिलाया, फिर उस पर बड़े पेड़ लगाए, फिर उसमें जमीन के इस टुकड़े के चारों तरफ पौधे लगाकर जमीन को घेर लिया। अपार्टमेंट के लोग पार्क की इस कॉमन जमीन का इस्तेमाल टहलने बैठने के लिए करते थे। अपने झूठे रसूख के नशे में चूर श्रीकांत ने जब चारों तरफ पौधा लगा दिया तो इस महिला ने आवाज उठाई, कब्जे की जमीन पर लगा एक पेड़ उखाड़ दिया। नतीजा, करीब दर्जन भर लोगों की मौजूदगी में सड़क छाप गुंडों की तरह श्रीकांत त्यागी ने न सिर्फ गाली गलौज किया बल्कि महिला के साथ हाथापाई भी की। इस वीडियो पर ध्यान दीजिए, आसपास करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग तमाशबीन बने हुए हैं। तमाशा देखने वालों में सोसाइटी के गार्ड्स भी हैं और लोग भी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि सत्ता के नशे में चूर बुलडोजर बने इस गुंडे नेता को रोके। भैया रेसिडेंस क्या, हमारी सिक्योरिटी सब घबराई हुई है, क्योंकि वो किसी पे भी कभी भी हाथ उठा देता है, कुछ भी बदतमीजी से बोल देता है। वो गार्ड्स के साथ बदतमीजी कर चुके हैं, मेल हमारे जो जेंट्स हैं उनके साथ बदतमीजी कर चुके हैं सिक्योरिटी के साथ, तो हमें ये लगा शायद लेडीज़ के साथ बदतमीजी ना करें, दैट्स वाई आई केम आगे। बट मुझे क्या पता था कि वो लेडी, और जब उसने लेडी के साथ बदतमीजी की फिर ऑल द लेडीज़ वर टुगेदर एंड देन वी फॉट अगेंस्ट हिम। शनिवार के दिन पुलिस ने इसके घर पर भी दबिश दी है और इसकी 3 गाड़ियां कब्जे में ले ली हैं। इन गाड़ियों पर जो नंबर था वो भी इसके नेता होने के झूठ को तेजी से फैलाने में मददगार था। ये देखिए इसकी इस लग्जरी एसयूवी का नंबर, ये नंबर 1 है। इसी वीवीआईपी नंबरों के दम पर भी वो अपने रसूख के दावों को लोगों के सामने झाड़ता था। खुद को बीजेपी नेता बताकर लोगों को धमकाने का झूठ फैलाने वाले श्रीकांत त्यागी का विवादों से पुराना नाता है। ये बददिमाग बेवफाई के आरोप में लखनऊ में पहले भी अपनी बीवी और बच्चों के सामने बेइज्जत हो चुका है। उस वक्त गोमती नगर थाने में काफी बवाल हुआ था। बड़ी गाड़ी, गनर और घर के बाहर तैनात बाउंसरों के दम पर श्रीकांत त्यागी ने भ्रम फैला रखा था कि वो रसूखदार नेता है जिसकी पहुंच लंबी है। इसी झूठी पहचान के दम पर उसने पहले इसी सोसाइटी में बेसमेंट पर भी कब्जा कर रखा है। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि ये जो है श्रीकांत त्यागी के बेसमेंट की दीवार है, जहां पर पहले जो है वो दरवाजा हुआ करता था। कल तक जो है ये जो दीवार है यहाँ पर एक दरवाज़ा नुमा हुआ करता था यहाँ पर, और जैसा कि रेजिडेंट बता रहे हैं कि इसी दरवाजे के ज़रिए जो है वो उनके बाउंसर और बाकी चीज़ें जो हैं वो जाया करती थी। और मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि इसके साथ ही साथ वो और भी बेसमेंट की दीवारें दिखाए आपको। बेसमेंट में कहीं पर भी जो है वो दरवाजे जैसी कोई संरचना जो है वो नहीं मिलेगी। सिर्फ जो है ये जो फ्लैट है श्रीकांत त्यागी का, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको
ऐसी जो संरचना है दरवाजे की वो आपसे आपको सिर्फ यहाँ पर दिखेगी। शक्ल लेके आ गई है, क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे, उसके डर का ये कारोबार सोसाइटी में कई दिनों से चल रहा था, फिर एक महिला ने हिम्मत दिखाई और इसकी झूठ की लंका को जलाकर खाक कर दिया। गाली गलौज का वीडियो वायरल होने और श्रीकांत तिवारी के फरार होने के बाद श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे वाली जमीन पर लोगों के गुस्से का बुलडोजर चल गया। श्रीकांत त्यागी देश के उस वीवीआईपी कल्चर का जीता जागता उदाहरण है जिसको उखाड़ फेंकने के लिए पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि देश के लिए वीवीआईपी कल्चर खराब है। बड़े भैया, तेरे पति को भी जानता हूँ, उस बढ़िया को। वीआईपी कल्चर देखिए, देश को बहुत नफरत है, युग बदल चुका है, जनता जनार्दन बहुत सतर्क है, सचेत है, हमें उसको ध्यान में रख करके अपने आप को बदलना है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को बदल देना चाहिए और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। 2017 से ही देश में मंत्रियों और अफसरों की गाड़ियों पर बत्ती का कल्चर खत्म हो गया है। संसद की कैंटीन की सब्सिडी खत्म हुई। यूपी में गाड़ियों पर जातियों के नाम लिखने पर बैन है। सीएम योगी ने स्वागत में दिए जाने वाले गुलदस्ते पर लगाई रोक। नोटबंदी और कोविड के टीके में भी वीआईपी कल्चर खत्म किया। श्रीकांत त्यागी दरअसल एक कल्चर का जीता जागता उदाहरण है। झूठे रसूख की चादर ओढ़कर ऐसे लोग भ्रष्टाचार का घी पीते हैं, जब टोका जाए तो मनगढ़ंत पहुंच का डंडा हाँकने लगते हैं। ये वाला श्रीकांत त्यागी तो अब बच नहीं पाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे श्रीकांत त्यागी न जाने देश में कितने घूम रहे हैं, उन पर कब होगी कार्रवाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी।